अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आया हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। अभी बस मैं कॉलेज से वापस आया हूँ, तो घर में दो काम चल रहे हैं अभी। एक तो गंदम धोई है लास्ट डे, और वो खुश्क ही है छत के ऊपर, जब हमारा सबसे ऊपर टॉप वाला फील हो। तो नाजरीन, अभी मैं छत के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे गंदम को वॉश करके और खुश्क कर रहे थे, तो मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। गंदम खुश्क हो चुकी है, अब उसको तोड़ों के अंदर भर रहे हैं। हमारे साथ दानियाल भी है, जो कि लास्ट वीलॉग्स के अंदर आपने देखा होगा एज अ पेशेंट भी था हमारे पास एक दो वीडियोस में, तो सारी अपनी स्टोरी भी बताई थी। दानियाल, अब चाय का टाइम हुआ चलता है, तो चले उनको चाय सर्व करते हैं। नाज़रीन, एक काम तो ये था कि जिस तरह आपको मैंने आगे बताया कि गंदम को वॉश की और खुश करने के लिए टॉप फ्लोर पे डाल दी थी, वो सारी पैक करके उतारी की आज। और दूसरा काम वो मैं भी आपको बाय चल के साथ साथ दिखाता हूँ। तो जिस तरह आपने देखा होगा, ये भाई जो है ना मार्बल को पॉलिश कर रहे हैं। आज का दिन इन्होंने लगाया है थ्रू आउट, जो है ना ऊपर से रफनेस जितनी भी थी ना मार्बल का हिस्सा, जो ऊपर वाली टॉप लेयर की रफनेस होती है वो ज़्यादा ज़्यादा ख़त्म होगी, और मार्बल जो है ना साफ़ साफ सी नज़र आनी शुरू हो गई है। अभी इसके बाद इस पर डिफरेंट पॉलिश के स्टेप्स होंगे ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, तो ये भी चाहते हैं। तो फिर मैं आपको चेकआउट करवाऊंगा कि आज के दिन उन्होंने कितना काम को कवर अप किया। इससे पहले जिस तरह आपने क्लिप्स में देखा होगा कि जो जो काम हमारे पास चल रहे हैं, अब अगर मैं बात करूं तो लास्ट ब्लॉग्स में आपको शायद याद हो मैंने आपसे बात की थी कि हमारे गांव में भी एक मेला लगा हुआ है जहां पे बच्चों के लिए झूले और मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अनाया शायद बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि हमने उधर ही जाना है, तो मैंने कहा चलो उधर चलते हैं साथ, हल्का सा आप लोगों को छोटा सा टूर दे देंगे उसका। तो चलें अभी अनाया ऐशा को लेते हैं और उधर चलते हैं।
ناظرین یہ تھیں کچھ میری آج کی مصروفیات. امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو. انشاءاللہ ملیں گے آپ کو جلد ایک نیو بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.